मेरे भाई के इंतकाल को 2 साल का अरसा बीत चुका था। एक दिन अचानक मेरी बेवा भाभी के पेट में शदीद दर्द पड़ गया। आधी रात का वक्त था, हम भाभी को करीबी क्लिनिक लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप किया। बड़ी देर के बाद जब डॉक्टर बाहर आई और जो बात उसने बताई उसे सुनकर हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर कहने लगी, मुबारक हो, आपकी भाभी माँ बनने वाली है। मेरी भाभी हामला थी। हम सब बहुत परेशान थे कि भाभी कैसे हामला होंगी। मेरे लिए ये बात बहुत परेशान कुन थी। मैं उस वक्त एक मुर्दा औरत की तरह खड़ी थी कि ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है, मेरी भाभी बिना शोहर के कैसे हामला हो सकती है। फिर काफ़ी देर के बाद मेरा दिमाग चला और फिर मुझे याद आया कि मेरी भाभी हर दूसरे दिन बिरयानी बनाकर पड़ोस लेकर जाती है। मैं जब भाभी से पूछती तो भाभी बताती कि पड़ोस वाले बहुत अच्छे लोग हैं, खुश इखलाक है। मेरे लिए परेशानी की बात ये थी कि मेरी भाभी जब पड़ोसियों के घर से लौटती है तो उसकी हालत गैर होती है और अजीब सी उनसे बदबू आ रही होती थी। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। एक रोज मैंने चादर ली और भाभी की जगह पड़ोस में बिरयानी देने चली गई। जब घर के अंदर गई तो मेरे गुमान में भी ना था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मेरा नाम मुनज़ा है, मेरी उम्र 20 साल है। मेरा सिर्फ एक भाई था, हम एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे। अब्बा भाई मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पालते थे। मेरा भाई मजहर मुझसे बड़ा था। अब्बा की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पर लग जाए, इसलिए भाई को अपनी हैसियत के मुताबिक एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। भाई ने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर लिया और उनको अच्छे नंबरों की वजह से स्कॉलरशिप मिल गई। अब्बू बहुत खुश थे कि उनका बेटा उनका ख्वाब पूरा करेगा। भाई को शहर एक कॉलेज में दाखिल करवाया गया। अब कॉलेज शहर से दूर था तो भाई हॉस्टल में रहने लग गया। मेरे अब्बा को जहाँ भी मजदूरी मिलती वो करते ताकि उनके बेटे को किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन अब्बा को क्या पता कि उनके सारे ख्वाब चिकना चूर होने वाले हैं। शुरू शुरू में तो भाई एक हफ्ते के बाद घर का चक्कर लगा लेते थे, लेकिन 4 माह गुजर गए, इस बार भाई घर नहीं आए। अब्बा काफी परेशान हुए और वह दूसरे दिन उनका पता करने शहर चले गए। वहां कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि आपका बेटा 1 माह से कॉलेज नहीं आ रहा। अब्बा को जब ये बात पता चली तो भाई के हॉस्टल गए। वहां भाई अपने दोस्तों के साथ नशा करने में मसरूफ था। भाई गलत दोस्तों की सोबत में पड़ चुके थे। अब्बा को देख कर भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। शाम का वक्त था कि अचानक भाई दरवाजे से दाखिल हुआ। भाई के हाथ में उनकी सारी किताबें थी और अब्बा के हाथ में भाई का बिस्तर। अब्बा काफी देर रोते रहे कि मेरी हलाल कमाई अपनी अयाशियों में उड़ाता रहा, मेरे सारे ख्वाब इसने मिट्टी में मिला दिए। काफी दिनों तक अब्बा ने भाई से बात ना की तो फिर अचानक एक रोज अब्बा ने कहा कि मैंने मजहर का रिश्ता देखा है, बात पक्की कर आया हूँ और अगले हफ्ते सादगी से शादी हो गई। अब्बा ने भाई को कहा कि अब ये तुम्हारी बीवी है, खुद कमाओ और इसे भी खिलाओ, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। शादी के अगले रोज ही मेरा भाई घर से कहीं चला गया और जब 4 दिन तक घर ना आया तो अब्बा भी परेशान हो गए क्योंकि वो भी बाप थे। आसपास के तमाम इलाकों में ढूंढा लेकिन भाई ना मिले। एक रोज खबर मिली कि भाई का इंतकाल हो गया है और उनकी लाश का कोई पता नहीं। हम सब बहुत रोए और आखिर इस बात को तस्लीम कर ही लिया। मेरी भाभी हर दूसरे दिन बिरयानी बनाती थी और पड़ोस में देकर आती थी। वापसी पर भाभी के हाथों में कभी सोने के कंगन होते तो कभी कुछ होता, लेकिन कैसे ये बात नाकाबिले यकीन थी कि पड़ोसन भाभी को बिरयानी के बदले, जबकि भाभी ने यही बता रखा था कि उनकी पड़ोसन बड़े दिल वाली है। लेकिन फिर मुझ पर भी ये राज खुल गया कि भाभी तो हमसे छुपकर रात में भी पड़ोस वाले घर में जाती थी। एक दिन मैंने भाभी का पीछा किया तो मैं तो दंग रह गई। मेरी भाभी लालची किस्म की औरत थी, उन्हें पैसे से बहुत मोहब्बत थी। मेरे अब्बा जो कमाते थे उनसे घर का खर्चा निकल जाता। मेरी भाभी इतने में राजी नहीं होती थी, उन्हें बहुत कुछ चाहिए होता था। मेरी भाभी को मुकाबलेबाजी का बहुत शौक था। वो देखती थी जो मेरी ताई ने जेवर पहना है वैसा जेवर पहने, जैसे कपड़े ताई बनाती है वैसे कपड़े भाभी भी पहने। लेकिन कम आमदनी में से ये सब कुछ नामुमकिन था, इस वजह से हमारे घर आए रोज झगड़े होते रहते थे। मैं अपनी भाभी को समझाने की बेहद कोशिश करती थी। मैं अब्बा की मजबूरियां भाभी के सामने रखती मगर उन पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता था। फिर यूं हुआ कि हमारे पड़ोस में कुछ लोग आकर रहने लगे। मेरी भाभी का आना जाना उस घर में हो गया। मैंने भाभी को देखा कि नए पड़ोसी के आने के बाद मेरी भाभी खुश रहने लगी। अब हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, लेकिन सुबह जब अब्बा काम पर चले जाते थे अब्बा भाभी की हर बात मानते थे क्योंकि वो जानते थे सारा कसूर उनके बेटे का था, उस लड़की का क्या कसूर इस सब में। शाम को जब अब्बा घर वापस आते तो उनके हाथ में एक फ्रूट का शॉपर होता था। भाभी फ्रूट एक टोकरी में डाल देती, सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन जैसे ही शाम होती भाभी जल्दी से चादर ओढ़कर
पड़ोस वाले घर में चली जाती थी। जब भाभी घर वापस आती तो उनके हाथ में जेवरात होते तो कभी पैसे होते, कभी नए जोड़े भी होते थे। मैं बहुत हैरान थी कि कैसे लोग हैं जो भाभी को बिरयानी के बदले इतना कुछ दे रहे हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैं सबसे ज्यादा हसास तबीयत की मालिक थी। मेरे अब्बा को परवाह भी नहीं थी कि भाभी क्या करती है, किधर जाती है, लेकिन मैं घर के हर फर्द पर गहरी नजर रखती थी। मैंने भाभी से पूछा कि साथ वाले लोग कैसे हैं जो आपको बिरयानी के बदले में इतना कुछ दे देते हैं, तो भाभी मुझे फौरन चुप करवा देती। खैर, मैं खामोश हो जाती। मुझे लगता था कि शायद कोई औरत भाभी की दोस्त बन गई है जो इतना कुछ देती है। एक शाम बहुत ही अजीब वाकया हुआ। भाभी किचन में खड़ी हांडी बना रही थी। मैं किचन से पानी लेने आई तो मैंने देखा कि भाभी हांडी में कुछ पाउडर डाल रही हैं, और पाउडर मसाला तो बिल्कुल भी नहीं था। उसकी जो डब्बी थी वो भी जरा मुख्तलिफ सी थी। मैं सोच रही थी कि आखिर हमारे घर में हो क्या रहा था, भाभी हांडी में क्या डाल रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस चीज की खोज लगा कर ही रहूंगी। मैंने सोचा कि आज रात को मैं उठकर किचन में आकर चेक करूंगी कि इस डब्बी में क्या था जिसे भाभी हांडी में डाल रही थी। लेकिन शाम को जैसे ही मैंने खाना खाया मैं सो गई। सुबह भाभी पहले से ही उठकर नाश्ता बना चुकी थी। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रात को तो मुझे जल्दी नींद आ गई थी, लेकिन आज मैं जरूर किचन में जाऊंगी और उस डबिया की हकीकत मालूम करके ही रहूंगी। हैरत अंगेज बात यह थी कि मैंने जैसे ही रात का खाना खाया मैं फिर से सो गई। मुझे भाभी पर शक होने लगा था। मुझे लगा था शायद भाभी नींद की दवाई हांडी में डालती है। इस बात का पता लगाने के लिए मैंने रात को खाना नहीं खाया। भाभी ने बहुत इसरार किया तो मैंने भाभी के सामने अपनी प्लेट में खाना डाला और मैंने कहा भाभी आज मैं कमरे में ही खाना खाऊंगी। मैं खाना कमरे में ले गई लेकिन मैंने खाया नहीं और उसको छुपा दिया। फिर मैं लेट गई। एक घंटा गुजर गया। फिर मैंने कदमों की आहट सुनी। थोड़ी सी आंख खुली तो मुझे मेरी भाभी नजर आई। वो कमरे में आई थी जहां मैं सो रही थी। उन्होंने मेरे ऊपर चादर डाली और फिर मेरे बिस्तर की चादर ठीक की। फिर मुझे चेक किया कि मैं सो रही हूं या नहीं। जब उनको तसल्ली हो गई कि मैं गहरी नींद सो चुकी हूं तो वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाते ही मैं भी दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर गुजरी कि मैंने देखा कि मेरी भाभी चादर लेकर घर से बाहर निकल गई है। मैं हैरत जदा सी रह गई थी। आज मेरी भाभी कहाँ गई थी? मैंने अपने कमरे से निकलकर बाहर के कमरे में झांका। अब्बा वहाँ बेखबर सो रहे थे। अब मैं सारा खेल समझ गई। मेरी भाभी हर रोज रात को खाने में नींद की दवा मिलाकर हमें सुला देती थी और हमारे सोने के बाद घर से निकल जाती थी। मैंने जल्दी से भाभी का पीछा किया। मैं गेट पर जाकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि मेरी भाभी जल्दी से पड़ोस के घर में चली गई थी। ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। ऐसी कौन सी बात होगी कि वो रात के इस वक्त पड़ोस में चली गई। मैं सारी रात सूली पे लटकी रही। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, करवट बदलती जा रही थी। यूं ही लेटे लेटे फजर की अजान हो गई, तभी हमारे गेट का दरवाजा खुला। मैंने जल्दी से जाकर देखा तो मेरी भाभी वापस आ रही थी। मैं एक बालिग लड़की थी, मैं बच्ची नहीं थी कि इतना ना समझ सकूं कि क्या ठीक है और क्या गलत, लेकिन रात के इस वक्त घर से निकलना और सुबह फजर के वक्त वापस आना मुनासिब नहीं था, मगर मैंने फिर भी अपने दिल में शक की गुंजाइश रखी। इसलिए मैंने सोचा कि आज रात भी रात का खाना नहीं खाऊंगी और देखूंगी कि मेरी भाभी कहाँ जाती है। जब रात हुई तो मैंने फिर से खाना नहीं खाया। मैं अपना खाना अपने कमरे में ले आई और खाना छुपा दिया। मामूल के मुताबिक भाभी मेरे कमरे में आई और फिर से मुझे देखकर तसल्ली की कि मैं सो रही हूँ या नहीं। फिर वही चादर ओढ़कर वो घर से बाहर निकल गई और कल की तरह भाभी फिर फजर के बाद ही घर लौटी थी। मैंने एक हफ्ते तक रात की रोटी नहीं खाई और भाभी की जासूसी कर रही थी। एक हफ्ते में मेरी भाभी हर रात पड़ोसन के घर चली जाती थी और सुबह फजर के वक्त वापस आती थी। मुझे अपनी भाभी से कराहियत महसूस होने लगी। मुझे अब्बा पर बड़ा तरस आ रहा था कि उन्होंने किस तरह से गरीबी में मेरी भाभी की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, लेकिन मेरी भाभी ने उनके साथ वफा नहीं की। जी तो चाहता है कि मैं अभी के अभी उनकी असलियत अब्बू के सामने खोल कर रख दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इस बात की तस्दीक कर लूं कि जो मैं समझ रही हूँ वो सच है, उसके बाद अब्बू को सब बताऊंगी। मैं भाभी की एक एक हरकत नोट कर रही थी। भाभी सुबह घर के काम काज करती, नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर करीम लगाकर बैठ जाती, अब्बू को ना चाय देती ना खाने का पूछती और चादर लेकर पड़ोसी के घर चली जाती। मैं अब्बा के कपड़े इस्त्री करके रख देती थी। तब तक भाभी आ जाती और ताजा रोटी बनाकर हम सबको दे देती। फिर रात को मामूल वही होता। फिर मैंने सोचा कि मैं किसी दिन खुद जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर भाभी को सोने के कंगन और पैसे देता कौन है। मैंने भाभी को चाय बनाकर दी और उसमें वही पाउडर मिक्स कर दिया। भाभी चाय पीते ही सो गई। जब शाम को अब्बा घर वापस आए तो उनको खाना देने के बाद मैंने जल्दी से एक बर्तन में बिरयानी डाली। मैंने भाभी की चादर ओढ़ ली।
मेरा कद काठ भी भाभी जितना ही था। मैं सीधा पड़ोसन के घर चली गई। वहाँ एक काम करने वाली लड़की सफाई कर रही थी। उसने कहा, इसे मेज पर रख दो, अभी साहब घर नहीं है, तुम रात को आना और तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मुझे लगा कि अब मैं जिंदगी में कभी दोबारा मुस्कुरा नहीं पाऊंगी। मुझे जो बात समझ में आई थी शायद मैं खुद भी ना समझ पाऊँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी भाभी की कोई भी बात मेरे सामने आए, लेकिन फिर भी मुझे राज जानना ही था। आज रात मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं भाभी के पीछे ही निकल जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर मेरी भाभी वहां जाकर करती क्या है और कौन सा शख्स उन्हें इनाम देता है। मैं घर लौटकर आई तो अब्बा बड़े परेशान से नजर आए और बोले, बेटा आज तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इस टाइम कभी नहीं सोती। मैं घबरा गई। मैंने कहा, अब्बा कुछ लोगों को हर वक्त सोना ही चाहिए, जब तक ऐसे लोग सोते रहेंगे दूसरे उनके शर से महफूज रहेंगे। अब्बा ने मुझसे कहा, बेटा कोई बात हुई है? मैं उनको क्या बताती, बात कहाँ से शुरू करती? मैंने कहा, नहीं अब्बा ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब्बा खामोश हो गए थे। मैंने भाभी की चाय में बहुत कम नींद की दवा मिलाई थी, इसलिए 3-4 घंटों के बाद ही वो उठ गई थी। भाभी की जब आंख खुली तो बड़ी हैरत ज़दा होकर बोली, न जाने आज मेरी आंख कैसे लग गई, मैं तो कभी इस वक्त नहीं सोई, न जाने मुझे क्या हो गया था। जैसे ही उन्हें थोड़ा होश आया उनको सबसे पहले बिरयानी की फिक्र हुई। अब्बा बोले, फिक्र ना करो, आज मेरी बेटी पड़ोसन को बिरयानी पकड़ा आई है। भाभी ये बात सुनकर चौंक गई। मैंने नोट किया कि मेरी भाभी के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी, उनका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया था। भाभी जल्दी से मेरा बाजू पकड़कर मुझे खींचती हुई कमरे में लाई और बोली, तुम क्यों गई थी वहाँ? मैंने बड़े आराम से कहा, भाभी आप भी तो हर रोज जाती हैं ना और इनाम लेकर आती हैं, आज मैं चली गई। भाभी ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, बदबख्त क्यों गई, सच सच बता दो किसको बिरयानी पकड़ा कर आई हो। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी भाभी को शक हो और वो मोहतात हो जाए, क्योंकि आज भी उनको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए मैं बोली, भाभी एक काम वाली औरत, वो काम कर रही थी, उसने मुझसे बिरयानी ले ली और कहा कि इनाम कल आकर ले जाना। भाभी की सांस में सांस आई, वो मुस्कुरा कर बोली, अच्छा चलो ठीक है, मैं कल इनाम ले आऊंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भाभी कमरे से निकली और खाना बनाने लगी। हर रोज की तरह उन्होंने आज भी खाने में नींद की दवा मिला दी। उन्हें ऐसा करते मैंने खिड़की से देखा था। मुझे ना जाने क्या हुआ था, मैंने सोचा कि बास लोगों में शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं होती, लेकिन मैंने आज फिर खाना नहीं खाया था और बहाना बना गई। आधे घंटे बाद मेरी भाभी कमरे में आई, मुझे चेक किया, मैं सो रही थी, मैं भी सोने का नाटक कर रही थी। दरवाजा खोलकर पड़ोसन के घर में दाखिल हुई। मैं दरवाजे पर थी, उनका पीछा कर रही थी। मैंने एक चादर सर पर ले रखी थी, छुपकर उनके पीछे चली गई। मेरी खुशकिस्मती के बाहर का दरवाजा खुला था। मैं चुप के अंदर दाखिल हुई और बहुत खामोशी से दबे कदमों से कमरे में दाखिल हो गई। एक कमरे में जब मैं दाखिल हुई तो मुझे मेरी भाभी की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, आप फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं दिन रात आपके लिए दुआ करती हूँ। मैं हैरान हो गई थी कि भाभी किसको दिलासा दे रही हैं। मैं दरवाजे के साथ ही लगी आगे बढ़ी, मेरी ठोकर सामने पड़ी टेबल को लगी। भाभी हड़बड़ाकर उठी, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं खड़ी थी। भाभी हैरत से मुझे देख रही थी। वो बोली, तुम रात के इस पैर यहाँ क्या करने आई हो? मैं खामोश खड़ी थी। मैंने बिस्तर पर लेटे हुए एक कमजोर और लागर मर्द को देखा। मेरी आंखों में लिखा सवाल पढ़कर भाभी ने भी उस मर्द को देखा और बोला, अच्छा अच्छा तुम मुझ पर शक करती हुई यहाँ पर आ गई हो, आओ मैं तुम्हें इससे मिलवाती हूँ। मैं आगे बढ़ी तो भाभी ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, मजहर देखो तुम्हारी बहन आई है, भाई मुझे देख रहा था। मैंने कहा, भाई का तो सालों पहले इंतकाल हो चुका है। भाभी की आंखें भीग गईं। मैंने गौर से देखा तो वो मेरा भाई था। मैं अपने भाई के गले लगकर रोने लगी। मेरा भाई इतने सालों बाद मुझे मिला था। भाई की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते थे। मैंने भाभी से फिर पूछा कि आपने हमें क्यों नहीं बताया? भाभी कहने लगी, मैं भी यही समझती थी कि मजहर का इंतकाल हो गया है, लेकिन वो पड़ोस में जब आया तो मैंने घर की छत से इनको देख लिया और इनके घर चली गई। उन्होंने मुझे सब बता दिया कि कैसे उसके आवारा दोस्तों ने उसको एक चोरी में फंसाया और सब फरार हो गए, लेकिन मजहर को पुलिस पकड़ कर ले गई। काफी दिन जेल में रहने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया और चोरी करने वाले सब पकड़े गए। उन लोगों ने जो चोरी की सबके हिस्से में 50 लाख आया हुआ था। मजहर ने पुलिस के साथ मिलकर सब पैसा तलाश करवा दिया। सारे पैसे मिल गए तो पुलिस वालों ने इसको इनाम के तौर पर 50 लाख दिए। भाई ने बताया कि तुम्हारी भाभी के पेट में मेरा बच्चा है और किसी का नहीं, तुम्हारी भाभी को मैं ही नए कपड़े लेकर देता हूँ और सोने के कंगन भी मैंने ही बनवा कर दिए हैं। मैंने तुम्हारी भाभी को रोका था कि घर में मेरे बारे में किसी को मत बताना कि मैं जिंदा हूँ और मुझसे मिलने आती रहो, क्योंकि अब्बा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने अब्बा का बहुत दिल दुखाया है, उनके ख्वाबों को पूरा नहीं किया। अब उनके सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। फिर मैं और भाभी भाई को घर ले गए और शाम को अब्बा आए तो भाई को जिंदा देखकर एकदम से खिल उठे।
फिर भाई को अब्बा ने गले लगाया। भाई ने अब्बा से बहुत माफी मांगी और भाई ने जो पैसे बचाए थे उसका कारोबार डाल लिया और अब्बा को घर बिठा दिया कि अब आपका बेटा आप सबको कमा कर खिलाएगा। अल्लाह का शुक्र है, भाई का कारोबार ठीक से चल पड़ा और हम सब अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी कहानी, मेरा नाम मरियम है। ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 27 साल थी और मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी। मेरे दो बच्चे थे, अल्लाह ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया था लेकिन 27 साल की उम्र में मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। मेरा शोहर मुझे छोड़कर अल्लाह को प्यारा हो गया। मेरे शोहर के मरने के बाद ससुराल वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया और मैं किराए के मकान में रहने लगी थी। स्कूल से जो तनख्वाह मिलती थी उस तनख्वाह से मुश्किल से दो वक्त की रोटी पूरी हो रही थी। ऐसे हालात में हमारा कोई मददगार नहीं था। मेरा बड़ा भाई कुछ महीने तक हमारा खर्चा उठाता रहा लेकिन फिर भाभी की बातों में आकर उसने भी हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया था। कुछ अरसा गुजरने के बाद मेरा बेटा बीमार रहने लगा जो 6 साल का था। मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी मैंने बेटे के इलाज पर खर्च कर दी लेकिन फिर भी सरकारी डॉक्टर ने कहा कि उसे किसी प्राइवेट अस्पताल में चेक करवाएं। मैंने बड़े भाई से चंद पैसों की मदद मांगी तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और आइंदा मुझे फोन मत करना। ये कहकर भाई ने फोन बंद कर दिया था और मैं उसके सख्त अल्फाज सुनकर रोने लग गई। खैर मैं बेटे को प्राइवेट अस्पताल ले गई जहां डॉक्टर ने 2 दिन की मेडिसिन 4,000 की दी थी और मेरे पास जितने भी पैसे थे खत्म हो चुके थे। अब मैं घर में उदास बैठी हुई थी, क्या करती, कोई रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा था। जिस पर ऐसा वक्त आया हो वही इस कयामत को समझ सकता है। मेडिसिन खत्म हुई तो बेटा दोबारा दर्द से रोने लग गया। मैं क्या करती, अब इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। फिर मुझे ख्याल आया कि रात को लड़कियां बाजार में जाती हैं और जिस्म बेचकर पैसे कमाती हैं। मैं हाफिज़े कुरान भी थी, अल्लाह से रो रो कर दुआ मांग रही थी, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं कमजोर हो चुकी हूँ, मैं मजबूरी में ऐसा कदम उठा रही हूँ। स्कूल वालों ने भी ये कहकर निकाल दिया है कि अब आप बहुत छुट्टियां करती हैं। मैंने स्कूल के प्रिंसिपल को बताया भी था कि मेरा बेटा बीमार है लेकिन हम वो लोग हैं जो किसी की मजबूरी का फायदा तो उठा सकते हैं लेकिन किसी का दर्द नहीं समझ सकते। हम किसी ऐसी मजबूर औरत की मदद या तो उसके साथ रात गुजारने की खातिर करते हैं या फिर चंद पैसे देकर और वो भी तस्वीर बनाकर फेसबुक पर डाल देते हैं ताकि थोड़ी बहुत शोहरत मिल सके। खैर मैंने पर्दा किया और बाजार की तरफ निकल पड़ी। रात के 11 बज चुके थे और बच्चे सो रहे थे। मेरी आंखों में आंसू थे, दिल खौफजदा था और जिस्म कांप रहा था। मैं बाजार में खड़ी हो गई जहाँ बहुत सी लड़कियां धंधे के लिए खड़ी थी। मैं नजरें झुकाई खड़ी थी कि इतने में एक शख्स आया और बोला चलोगी मेरे साथ। मैंने उसकी जानिब देखा और 40 साल का आदमी था। मैंने पैसे पूछे तो उसने 4,000 देने का कहा। ये ऑफर सुनकर मैं उसके साथ जाने लगी लेकिन फिर रुक गई और बोली मुझे नहीं जाना। इतने में एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी वो मोटरसाइकिल पर गुजर रहा था, उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो रुक गया। मैं उस आदमी से कहने लगी भाई साहब मैं कोई गलत लड़की नहीं हूँ, मेरा बेटा बीमार है, मुझे अल्लाह के वास्ते 10,000 दे दे। वो शख्स मुस्कुराया और बोला ओ बीबी साथ चलना है तो बोल वरना मेरे पास कोई पैसे नहीं। वो लड़का सब देख रहा था। जब मैं उस आदमी के साथ ना गई तो वो किसी दूसरी लड़की को लेकर चला गया। मैं वहीं पर बैठ गई और रोने लगी, ऐ अल्लाह मुझे मौत दे दो। वो लड़का मोटरसाइकिल से उतरकर मेरी तरफ बढ़ा और आहिस्ता से आवाज दी, मरियम। अपना नाम सुनकर मेरा जिस्म कांपने लगा, ये मुझे किसने आवाज दी है। नजरें उठाकर देखा तो सामने अरशद था। मैंने नजरें झुका ली, अरशद आगे बढ़ा और मेरे सर पर दुपट्टा दिया और कहने लगा मरियम मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठो। मैं खामोश थी, अरशद कोई और नहीं उस स्कूल का प्रिंसिपल था जिस स्कूल में मैं पढ़ाया करती थी। मैं रो रही थी, कुछ दूर जाकर उसने मोटरसाइकिल खड़ी की और कहा मरियम मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, मैं आपका हर दर्द जान गया हूँ, आंसू साफ करो। मैंने अरशद के सामने हाथ जोड़ लिए, सर मेरा अल्लाह गवाह है मैं गलत नहीं हूँ, मेरा बेटा बीमार है, सर किसी को कुछ मत बताना क्योंकि सब मुझे तवाइफ समझेंगे। अरशद मुस्कुराया और बोला मरियम घर चलो। उसने मुझे 10,000 दिए और कहा मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, परेशान मत होना, मैं सारी रात सो ना सकी, सर मेरी कितनी इज्जत करते थे अब वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। दूसरे दिन अरशद मेरे घर आया। जब मैं बच्चों के लिए उदास बैठी थी मैं सोचों में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, आवाज आई दरवाजा खोलो तो सामने अरशद था। सर आप, वो मुस्कुराए और बोले मरियम तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं नजरें झुकाकर बोली जी सर कहें क्या बात है। सर अरशद आहिस्ता से बोले
मरियम अगर मैं कहूँ मुझे तुम्हारे साथ निकाह करना है तो क्या तुम इनकार तो नहीं करोगी। मैं सर के अल्फाज सुनकर हैरान हो गई थी। मैं खामोश रही और बच्चों की जानिब देखने लगी। सर मुस्कुराए और बोले आपके बच्चे मेरे बच्चे होंगे, आपको कभी दुख नहीं दूंगा और हमेशा साथ निभाऊंगा। मैं आहिस्ता से बोली सर आप बाद में बदल जाएंगे। अरशद प्यार से बोला मरियम यकीन करके देखो नहीं बदलूंगा। मैं हैरान थी कौन भला किसी के बच्चों को पालता है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। खैर मैंने हाँ कर दी और अरशद से मेरा निकाह हो गया। निकाह के वक्त उसने अपना घर और स्कूल सब कुछ मेरे नाम कर दिया और हाथ थाम कर कहा मरियम इतनी खूबसूरत और कुरान पाक की हाफिजा को मैं बिकने वाली औरत नहीं बनने दे सकता था। ये मेरी हमदर्दी नहीं बल्कि अच्छा मर्द होने की अलामत है। अब से मैं आपका लिबास और आप मेरा लिबास, आज से आप मेरी हमसफर हो और मैं आपका मुहाफिज। अरशद की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं आसमान की तरफ देखने लगी और फिर हल्का सा मुस्कुराई। मेरा अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, कभी ताकत से ज्यादा दर्द नहीं देता। हाँ आजमाइश में जरूर डालता है, अपने बंदे को बेबस करके आजमाता है और देखता है कि कौन भटक जाता है और कौन साबित कदम रहता है। वक्त गुजरने लगा। शादी को अभी 5 महीने गुजरे थे कि अरशद ने कहा मरियम आप शादी से पहले CSS का इम्तहान देना चाहती थी लेकिन हालात की वजह से नहीं दे सकी। मैं चाहता हूँ कि आप CSS का इम्तहान दें। मैं आहिस्ता से बोली अरशद मुझसे अब नहीं पढ़ा जाएगा। अरशद ने मेरे माथे पर बोसा दिया। मेरी जान मैं साथ हूँ ना। अरशद की जिद पर मैंने CSS का इम्तहान दिया और रिजल्ट का इंतजार था। कुछ दिन गुजर गए कि मैं किचन में खाना बना रही थी। अरशद घर आए तो बहुत खुश थे, जोर जोर से आवाजें देने लगे मरियम कहाँ हो तुम। मैं जल्दी से किचन से बाहर आई और बोली अरशद क्या हुआ। अरशद ने मुझे बाहों में उठा लिया और बताने लगे मरियम आपने CSS का इम्तहान दिया था ना, आप पास हो गई हैं, मैं अब डिप्टी कमिश्नर बन गई थी। मैं प्यार से अरशद के सीने लग गई और रोने लग गई। अरशद ने मेरे आंसू साफ किए, उसकी भी आंखें नम हो गई थी। मैं अरशद का हाथ चूमकर बोली आप ना होते तो शायद मरियम आज मर गई होती। अरशद ने मेरे हाथ पर बोसा किया मरियम हम सफर का मतलब हर हाल में साथ निभाना होता है। अल्लाह ने आपको वो अता किया है जो आपके लिए बहुत बेहतर था, इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं है। आज मैं अपने शोहर के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को मेरे शोहर जैसा शोहर अता करे। ये थी नाजरीन हमारी आज की कहानी। कहानी अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद इस तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।